नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाकरा, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी। चलिए बात करते हैं कैसे रहेगा अगला हफ्ता। पिछले हफ्ते के सारे टारगेट्स आपने अचीव होते हुए देखे हैं, 9200 तोड़ सकती है, इतना तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और वैसे ही हुआ है। देखिए गाइस, आने वाले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं काफी सारी दिक्कतें हम लोग फेस करने वाले हैं। ये मैं बहुत सारे दिनों से आपसे बात कर रही हूँ कि थोड़ा संभल के खर्चा करिए। हेल्थ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ वेल्थ मतलब मनी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हम सबके लाइफ में। विदाउट मनी वी कैंट सर्वाइव, हम लोग बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास मनी नहीं होगे। और आज की सिचुएशन ऐसी है कि हम हमारे सेविंग से पैसे निकाल रहे हैं और खर्चे कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में वो सेविंग हम लोग वापस इकट्ठा करने के चक्कर में नई खरीदारी नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन होते हुए भी डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो उसके स्टॉक्स भी वहां पर सेल नहीं होंगे। ये सिंपल लॉजिक है। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल मुझे पूछे, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप काफी सारी न्यूज सुन रहे हो कि इसराइल से आपको दवाई मिल रही है, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से हमें कहीं ना कहीं दवाई मिलते हुए दिख रही है, इंडियन काफी सारे साइंटिस्ट दवाई के पीछे पड़े हुए हैं और जल्दी हमें मिल सकती है, और काफी सारी जगह से दावा भी किया जा रहा है कि हमारे यहाँ दवाई मिल गई है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बहुत ही जल्द मतलब मई के पहले ही आप लोगों को दवाई मिल जाएगी, वैसे ही हुआ है। डेफिनेटली कुछ आने वाले कुछ दिनों में कोरोना का इफेक्ट भी हम लोग कहीं ना कहीं कम होते हुए देख रहे हैं, बट आने वाले 40-50 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में हो सकता है कहीं से आपको कोई और बुरी खबर मिले, नॉट ओनली वायरस जरूरी नहीं है, और काफी सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है, कहीं भूकंप के झटके बैठ सकते हैं, कहीं और कुछ हो सकता है। मतलब आने वाले 40 बिकॉज यहाँ पे शनि की जो दशा है वो वक्र होती हुई मुझे दिख रही है। एज अ एस्ट्रोलॉजिकली मुझे पूछो तो यहाँ पे ऑयल, गोल्ड, देन उसके बाद में स्टील बहुत उथल पुथल हम लोग देख सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा संभल के करिए, जो भी आपके ट्रेड है उसे इमिडिएटली स्क्वेयर अप करिए, मतलब प्रॉफिट में छोटा छोटा प्रॉफिट लेके स्क्वायर अप करिए, अगले दिन हम लोग नया ट्रेड करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा काफी सारी रिलायंस की न्यूज, मतलब एक ही हीरो था पिछला हफ्ता, रिलायंस एक हीरो था, और 14th में उनका राइट इश्यू का डेट आ चुका है। जिन लोगों के पास 15 शेयर है वो और एक शेयर खरीद सकते हैं 1257 रुपीज पे, आपको ऑनलाइन बोला जाएगा या फिर आपको फोन कॉल पे भी बताया जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप उसे खरीद सकते हो। दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू के बारे में। और काफी सारे लॉट्स ऑफ छोटे छोटे वीडियोज बना के मैंने आपके साथ शेयर किए, ओवर ट्रेड मतलब क्या होता है, काफी सारे यूट्यूब से मैंने अपने ब्लॉग्स पे मैंने डाले है कि ओवर ट्रेड आप क्यों करते हो, स्ट्रैटेजीज आपको कैसी यूज करनी चाहिए, कितनी सारी शेयर्स मार्केट में स्किल आपको यूज कैसे करनी है, ये छोटे छोटे वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। रिलायंस ने फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटीज के साथ टाई अप किया। अब रिलायंस के आगे की चाल है कि इनको डेबिट फ्री होना है, दैट इज गुड थिंग। पर जब भी कभी आपको लगे रिलायंस काफी अच्छा नीचे मिल रहा है तो डेफिनेटली उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी रहेगा। M&M, भारती एयरटेल, DRL, सन फार्मा हमने देखा था पिछले हफ्ता काफी तेजी में गया, और टाइटन, एक्सिस बैंक, वेदांता, UPL हमने देखा कि नीचे आते हुए देखा, बात इसके काफी सारे रिजल्ट्स। अब रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे बात की कि मारुति, बजाज ऑटो ने एक गाड़ी अपनी सेल की नहीं है, तो इन लोगों का कैसे मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा। तो डेफिनेटली लोगों ने AMIs पे ही नहीं किए तो बैंकिंग के रिजल्ट भी थोड़े से खराब आते हुए हम लोग देखेंगे, NPA बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। हमने पिछले हफ्ते देखा SBI का NPA बढ़ते हुए हमें दिख रहा था, तो यहां पे ये सारा सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको दिमाग लगा के ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब आप अब तक आप आधा घंटा स्टडी कर रहे हो, एक घंटा स्टडी कर रहे हो, अब जाके अगर आपको स्टॉक मार्केट में परफेक्ट पैसे कमाने हैं तो कम से कम 3 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है, इतना मैं आपको श्योरली बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमें सारे इंडिकेटर्स फॉलो करने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली हर वो चीज, हर वो नंबर्स हमें टैली करने पड़ेंगे, उसके बाद में हमें
इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, दारू के स्टॉक पे सरकार बंदी नहीं लगा पाई है, उन्होंने बोल दिया है कि अभी ऑनलाइन भी हम लोग बेच सकते हैं। ऑनलाइन मतलब जोमैटो के साथ टाइप हो गया, डोर टू डोर आप लोगों को लीकर मिल सकती है। तो ये लीकर स्टॉक के लिए, ब्रेवरेज स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात थी और हमने बढ़ते हुए भी देखे काफी सारे स्टॉक। हर एक स्टेट के हिसाब से ड्यूटी वहां पे बढ़ा दी गई है, उसे कोरोना सीज टैक्स इसे बोला गया है और टैक्सेस वहां पे बढ़ा दिए गए हैं। तो गाइस आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा, ऑयल गोल्ड सिल्वर में हम लोग कहीं ना कहीं तेजी देख सकते हैं। सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी थी 31,642, निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 9,251 एंड बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 19,352। अब आने वाले हफ्ता और मतलब 14th में अगर राइट इश्यू का डेट है तो वहां तक मुझे लग रहा है कि मार्केट ठीक ठाक चलेगा। उसके बाद में हो सकता है थोड़ी बहुत मंदी हम लोग देख सकते हैं। मतलब इस आने वाले हफ्ते में बोथ साइड मार्केट प्ले करेगा, जैसे कि 9,370 फर्स्ट टारगेट एंड 9,450 सेकेंड टारगेट, ये मेरे ऊपर के टारगेट रहेंगे। और नीचे की अगर बात करूं तो 9,120, 9,070 और हो सकता है 8,900 भी हम लोग देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। 8,700 का भी देखना कोई सरप्राइजिंग नहीं रहेगा यहाँ पे। सो बस एक ही, मैं हर बार आपको एक ही चीज बोलते रहती हूँ, बुक योर प्रॉफिट एज सच एज पॉसिबल। जहां जहां छोटा मोटा 3,000, 2,000, 5,000 जितना प्रॉफिट मिलता है आप प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकलो। कल के लिए हम लोग देखेंगे कल का क्या करना है, आज का प्रॉफिट लेके बाहर निकलो। तो टिल देन गाइस, ओके। अभी एक बंदे ने मुझे पूछा था कि अगले हफ्ते के लिए आपकी निफ्टी की लेवल इतनी परफेक्ट जाती है तो हम लोगों के लिए कुछ स्टॉक सजेस्ट करिए। तो L&T मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से L&T में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टिल देन गाइस,